फोल्डर कर ले भाई साढ़े सत्रह हाथ ऊपर कीजिए अरे कीजिए ना <laughs> सीना लिख ले भाई पैंतीस नहीं चौतीस चौतीस की पैंतीस सर थोड़ा फुलाइए 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 साढ़े चौतीस लिख ले हाँ बेटे पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया आता हूँ बेटा सीना चालीस कर दो हैं जिम ज्वाइन कर लिया है बेटे ने किया और बैंकिंग किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं तो एंड चालीस फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा सेवन हमारे यूट्यूब चैनल पर आज ट्वेंटी नाइन ऑफ जून की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन करेंगे आज काफी ऐसी न्यूज है लाइक जैसे कि ब्रिक्स का एक देश है जिसने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है ब्रिक्स बैंक नहीं ब्रिक्स का ओके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करेंगे उसके कुछ मेंबर नए बने हैं कुछ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ ली गई है

और जो, वो जो दस होने वाले हैं वो खुद में न्यूज रहेंगे ओके खुद में न्यूज रहेंगे आपके लिए वो एज ए न्यूज इंपॉर्टेंट बनेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को एक बार यार प्लीज सेशन को यार आखिरी तक देखने का एक वो होता ना कि खुद को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि प्लीज यार हमें सेशन को आखिरी तक देखना है सिर्फ आधा अधूरा सेशन नहीं पूरा आखिरी तक सेशन देखना है आज का मोटिवेशनल कोट काफी शानदार है मोटिवेशनल कोट बोलिए या तो उस कुछ चीज़ें जो हकीकत होती हैं उनको हम लोग साझा करते हैं यू डोंट ग्रो वेन यू आर इन कम्फर्टेबल ओके ये शब्द बड़ा बढ़िया है मेरे भाई कंफर्टेबल किसी से पूछे यार आर यू फीलिंग कम्फर्टेबल बड़ा बढ़िया लगता है ठीक है समझना आर यू फीलिंग कम्फर्टेबल लग जाए आपको आर यू फीलिंग कम्फर्टेबल हाँ लाइफ कैसी चल रही है लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो अब भाई बड़ा कंफर्टेबल आ गया है बड़ा कंफर्टेबल हो गया है हर चीज के दो आस्पेक्ट हैं अच्छे भी और बुरे भी ये अच्छा भी है और बुरा भी है मेरे भाई लाइफ में ना कोई भी चीज आपको ना आपके हिसाब से नहीं मिल सकती इस बात को मानिएगा आप ये सोच रहे हैं क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो शत प्रतिशत सही है और आप शत प्रतिशत सही हैं तो ये दोस्त हमारी भूल है आपको लाइफ में कुछ करना है ना दोस्त तो ये समझ लीजिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा ये शब्द आपकी लाइफ में होना भी नहीं चाहिए कंफर्टेबल कंफर्टेबल और यार स्टूडेंट की लाइफ में तो कंफर्टेबल शब्द होना ही नहीं चाहिए कंफर्टेबल का मतलब क्या है यार दोस्त लाइफ में हम चाहना तो चाहते तो बहुत कुछ है पाना लेकिन सोचते क्या उसके लिए कि प्रयास इतने से करने पड़े इतने से प्रयास में इतना मिल जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है एक चम्मच चीनी डाल के मेरे दोस्त चार लोगों की चाय बन जाएगी जिनको मिठास पसंद है जिनको नहीं मिठास पसंद फीकी पसंद है उनके लिए तो मेरे भाई कुछ भी मत करो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इतने से प्रयास से मेरे भाई इतना काम हो जाएगा कैसा हो जाएगा यार कैसे हो जाएगा बताइए अरे सर महीने के करंट अफेयर पढ़ने सिलेक्शन ले ले लेंगे ले लीजिए भाई ले लीजिए देखो दोस्त पॉसिबल नहीं है चीज है तो ये कंफर्टेबल 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 शब्द को भूलिए अभी भी ना बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे सुबह सात बजे का करंट अफेयर का सेशन इसलिए मिस करेंगे क्योंकि पांच मिनट का सुनूज पांच मिनट का सुनूज पांच मिनट का सुनूज अब छोड़ो ना पांच मिनट तो शुरू बातें ही तो करता है जाके मोटिवेशनल कोटी देता, तो देता करंट अफेयर तो मिनट बाद शुरू होगा चलो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि वो सत्य सही है जो वो सोच रहे हैं जो वो कर रहे हैं, वो कर बिल्कुल सही है उन्होंने अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है अपने आस पास एक, एक और क्रिएट कर लिया है जिसमें उनको जो लगता है वही सब सही है ऐसा नहीं है समझिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा आप सत्य प्रतिशत सही नहीं आप सोच रहे हैं वो सत प्रतिशत सही नहीं होगा आपको स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित खुद को करना पड़ेगा परिवर्तन लाना पड़ेगा ऐसे में एक बात हमेशा याद रखना इस शब्द को भूल जाएगा कंफर्टेबल कंफर्टेबल कभी जिंदगी में नहीं होगा बचपन से लेकर आखिरी तक मेरे दोस्त आपको संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ेगा तो इस बात को जितना जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो उतना जल्दी अडॉप्ट करिए और जीना सीख लीजिए ओके बी फोकस्ड बी पॉजिटिव चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए आगे बढ़ते रहिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी भी न्यूज है और एक बहुत अच्छी भी न्यूज है क्या जरा वो समझिए जरा इसको जरा देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई 2022 जितने भी हमारे महापैक हैं उसके प्राइस बढ़ने वाले कम से कम 10 परसेंट का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इट इज फाइनल ओके और आज आपके पास मौका है बैंक महापैक में एसएससी एस सी महापैक में अड्डा के महापैक में एनरोल कराने का जाइए मेरे दोस्त एनरोल कराइए इसके लिए आपको कोड यूज करना है हैं वाई आज क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आज दोस्त आपको जो मिल रहा है ये लीज प्राइस पे मिल रहा है और उसके साथ साथ डबल वैलिडी भी है तो जितने भी महापैक है उन पर डबल वैलिडिटी आ चुका है आज के लिए कोड आपको लगाना है थ्री वन नाइन जीरो का यानी ट्वेल्व मंथ वाला बैंक महापैक महा आपको थ्री वन नाइन जीरो का ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व चौबीस महीने वाली मेंबरशिप आपको मिलेगी थ्री नाइन सिक्स जीरो की यही आपको फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई इंक्रीमेंटल प्राइस पर मिलेगी ओके इंक्रीज प्राइस पे मिलेगी okay? याद रखना भाई वाई वन सिक्स एट ओके अब बढ़ते पहले सवाल की तरफ जरा देखना माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे सूक्ष्म लघु मध्यम आकार का उद्यम दिवस किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाते हैं <coughs> किस दिन मनाते हैं बहुत बढ़िया राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर वन ट्वेंटी सेवन ऑफ जून ओके अब जरा समझिएगा 21 जून से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उन सभी का revision कर लेते हैं हम लोग तो ट्वेंटी सेवन ऑफ जून को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे हो गया अब जरा समझना बाकी के ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून इक्कीस जून को आपको तीन दिन देखने को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ओके वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे तो म्यूजिक डे योग डे और हाइड्रोग्राफी डे ओके तीन दिन इंपॉर्टेंट हो गए, योग दिवस संगीत दिवस हाइड्रोग्राफी दिवस ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून तेईस जून को आता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ओके ये आपका कब का है ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून का इंटरनेशनल विडो डे अंतरराष्ट्रीय विद्रोह दिवस ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून हो गया दो दिन हो गए ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून के

जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे पच्चीस जून को डे डे ऑफ ऑफ सी फेरर यानी नाविक दिवस आगे देखना छब्बीस जून को रहा इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर अत्याचार के पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस ओके इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस और 26 जून को रहा

न्यू सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है मजा आ जाएगा आज करंट अफेयर्स में मेरे भाई आपको ठीक है किसको सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यहां पर आंसर है नितिन गुप्ता ठीक है भाई किनको नितिन गुप्ता को अब डीजे पांडियन विपिन सांगी अमजाद अथेसम सैयद एन शिंदे संभाजी सेवाजी ये क्या क्या बनाएगा जरा समझिए डीजे पांडियन को न्यू डेवलपमेंट बैंक का एनडीबी का

छाया चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी सतीश चंद्र शर्मा चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली कोर्ट इन्होंने यार दोस्त कल शपथ ले ली जुल्फिकार हसन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है जुल्फिकार हसन एस एल थाउसन

ओके okay, अविनाश कुलकर्णी अब बाकी के जरा ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके नटराजन सुंदर ये एमडी एंड सीईओ बने नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के डायरेक्टर जनरल राजेश गेरा प्रदीप कुमार मोहंती को प्रदीप कुमार मोहंती को एडिशनल चार्ज दिया गया बतौर लोकपाल चेयरपर्सन ओके okay, पिनाकी चंद्र घोष के बाद पिनाकी चंद्र घोष के बाद लोकपाल के चेयरपर्सन के तौर पर अतिरिक्त कार्य प्रदीप कुमार मोहंती का नेशनल सेंटर के डायरेक्टर जनरल कृष्णन की जगह पर पंजाब एंड सिंध बैंक के एस कृष्णन की जगह पर कौन हेड बनाए गए स्वरूप कुमार साह ठीक है भाई स्वरूप कुमार साह मेरे साथ बोलते रहा करो ठीक है सिर्फ सुनने भर से काम नहीं चलने वाला है कभी कभी ठीक है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी मेरे दस कोई और ही चलना होता है आप मेंटली प्रेजेंट नहीं होते तो बोलते रहोगे तो वापस इधर ही आते रहोगे तो बोलते रहा करो बोल बोल के भी पढ़ना जरूरी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी कौन बने राजकिरण राय की जगह पे ए मनी मेखलई समझ रहे हो फर्स्ट इंडियन जिनको कि यूएनजीसी ने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्लोबल एसडीजी डी पाइनियर के तौर पर किसको रिकॉग्नाइज किया गया जो पहले भारतीय बने इनका नाम रामकृष्ण मुखाविली रामकृष्ण मुखाविली डन मेरे भाई ऑल ओके okay? अगला सवाल देखिएगा किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल अम्मा बोधी योजना के तहत छह करोड़ रुपए रिलीज किए थे जो स्कूल चिल्ड्रन है या स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए उनकी माताओं को इनकरेज करने के लिए सर आई वर्क इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या बात है जी बहुत बढ़िया ठीक है, जरा समझिएगा राइट आंसर बनेगा यहां पर आंध्र प्रदेश मैं आपको एक कंपाइलेशन दूंगा गवर्नमेंट स्कीम का जल्दी और ये जो गवर्नमेंट स्कीम होंगी ये स्टेट से रिलेटेड होंगी जितनी भी राज्य की योजना होंगी उन सभी का कंपाइलेशन आपको दूंगा एक में ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए याद रखो अम्मा बोधी योजना कहां की है ये आपके आंध्र प्रदेश की है और स्टेट न्यूज में लाइक जैसे हमने ऑप्शन में यहां पर महाराष्ट्र रखा है महाराष्ट्र महाराष्ट्र न्यूज में रहा था की जीव हला योजना भी है ठीक है है स्कीम किसकी महाराष्ट्र की पहला स्टेट है देश का जहां पर माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन बनाया गया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन ओके जीन बैंक प्रोजेक्ट अपने तरीके का पहला महाराष्ट्र स्टेट में आया है ये पहला 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 फिर दोबारा पहला ओके okay, तो फर्स्ट स्टेट जिसने की बस सर्विस शुरू करी है डिजिटल टिकटिंग सिस्टम के साथ तो डिजिटल टिकटिंग सिस्टम के साथ महाराष्ट्र के मुंबई में बस सर्विस शुरू की गई पहला बन गया ये मुंबई पहला अरे बाबाई भाई यहां तो पहले ही चल रहा है मुंबई फर्स्ट साउथ एशियन सिटी है जिसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया दो हजार पचास तक का श्री संत तुकार महाराज टेम्पल ये महाराष्ट्र के पुणे के पास देवू में इनग्रेट किया गया है ओके okay?

द पीपल ऑफ विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड साउ जुआउ फेस्टिवल किस राज्य के लोगों ने साउ जो आओ उत्सव मनाया है बताइए साओ जुआ उत्सव किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया गया है अब बाकी के स्टेट देख लेते हैं जरा तेलंगाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा था तेलंगाना की एक स्कीम है इसका नाम है नेथना बीमा योजना ओके बेबर इंश्योरेंस स्कीम या फिर नेथना बीमा योजना पर कैपिटल नेट स्टेट के मामले में पर कैपिटल नेट स्टेट 2022 के रिपोर्ट के मामले में टॉप स्टेट रहा है आपका तेलंगाना फाइन इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये तेलंगाना में लग रही तेलंगाना के हैदराबाद में किसके साथ मिलके एलेस्ट के साथ मिलके देश की पहली फैब्रिकेशन ये हम लोगों ने एज ए करंट अफेयर नहीं पढ़ा बट कंपाइलेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग ओके फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर ये तो पढ़ा था गूगल वाला गूगल का और तेलंगाना का समझौता रहा था ठीक है

तो न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम पर आने वाला पहला स्टेट कौन सा छत्तीसगढ़ हो गया मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश की है फर्स्ट ड्रोन स्कूल ये प्रदेश के ग्वालियर में ओपन किया गया था फोर्टी एथ खजुराव डांस फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में रहा था ठीक है भाई क्लियर है इतना ठीक है ऑल ओके समझ में आ रहा है जो पहली दफा जुड़े होंगे ना मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है ऐसा चेहरा हो रहा होगा हमा यार ऐसा कैसा कर लेंगे इतना सारा करंट अफेयर पागल हो गया ये आदमी है वैसे ही भेजा फ्राई रहता है ये तो और फ्राई कर रहा है बैठा के तो मेरे दोस्त तो सिर्फ तीन दिन की बात है एक दिन दो दिन तीन दिन पहले दिन ऐसा रहेगा थोड़े दिन और थोड़ा सही होगा अगले दिन तो मेरे दोस्त तो तो मुस्कुराने लगे क्या बात है मेरे भाई समझ रहे हो तुमसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा तुम परेशान मत हो ना बस इतना है कि मेरी मेहनत जो मैं करूं तुम उतने को कर लेना बस उतने को कर लेना मेरे भाई कल्याण हो जाएगा बस उतना कैसे याद नहीं होगा कैसे याद नहीं होगा अरे होगा हमें करना क्या है नए करंट अफेयर पंद्रह आएंगे हमें दोस्तों करंट अफेयर डेली रिवाइज करने अपना काम चलता रहेगा इस साइकिल को कंप्लीट करके चलना है अब नेक्स्ट देखना हरियाणा की बात कर लेते हैं मातृशक्ति योजना हरियाणा सुषमा स्वराज अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहां पर हरियाणा के मानेश्वर में थर्टी फिफ्थ सूरज कुंड क्राफ्ट मेला ये में रहा था। बागवानी बीमा योजना हरियाणा की है मेरे भाई व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन हरियाणा के व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन ओके चारा बिजाई योजना यह महाराष्ट्र की है ई अधिगम योजना महाराष्ट्र सॉरी हर... महाराष्ट्र कह रहा हूं हरियाणा ई अधिगम हरियाणा चारा बिजाई हरियाणा ओके okay, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन हरियाणा मातृशक्ति उत्तमिता योजना हरियाणा सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा हो गया फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर हरियाणा मानेश्वर और सूरज कुंड जो क्राफ्ट मेला रहा थर्टी फिफ्थ एडिशन था फरीदाबाद में रहा था ठीक है भाई ठीक है डस सॉरी ठीक है कितना क्लियर मेरे भाई आगे विच एनबीएफसीज रिसीव इन प्रिंसिपल आरबीआई अप्रूवल फॉर इश्यूएंस ऑफ सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आफ्टर बजाज फिनसर्व मन्नापुरम एंड पॉल मर्चेंट अच्छा बजाज फिनसर्व मन्नापुरम और पॉल मर्चेंट के बाद सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए किस एनबीएफसी को आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है तो भाई इसका नाम है मुफिन फाइनेंस ओके okay? मुफिन फाइनेंस को यहां पर यह मंजूरी दी गई है किसको मुफिन फाइनेंस को अगला देखो नेक्स्ट देखना

इन दोनों ने मिलकर एक रुपए कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया मेरे सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी बीओबी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर ओके सर सारे क्वेश्चन रिपीटेड है ये हमारा मुझे लग रहा भाई पहली दफा आया <laughs> ये भाई पहली दफा आया ओके okay? आप बेटा पिछली साल पढ़ाए थे मैंने इस साल फिर दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है क्या करता मेरे दोस्त नाइनटीन नाए, जीरो एट उन्नीस सौ आठ में मेरे दोस्त इसे स्थापित किया गया था तभी वो तो तीन दिन जोड़ो तब तो पैटर्न समझ में आएगा ये क्वेश्चन पढ़ना ठीक है आठ वो एमसीक्यू है जो हम लोगों ने कल न्यूज के तौर पर किए थे एज अ रिविजन अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज विच कंट्री हैज लॉन्च सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट जुल जनाहा इसका नाम है जुल जाना जुल जाना किस देश ने अभी एक 25.5 मीटर का एक जुलजाना नामक एक रॉकेट है जो किसको स्पेस में भेजा है जुलजाना बेसिकली किसके नाम पर है जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के के पोते इमाम हुसैन घोड़े के, के लिए रखा गया था तो भाई उसी के नाम पर यहां पर किस देश ने अंतरिक्ष में एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जाना मीटर का लॉन्च किया है ठीक है बहुत बढ़िया ईरान 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 तो दोस्तों ये, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा ईरान के द्वारा तो ये याद रखना रखा किसका है ये ये रॉकेट ईरान का है ईरान का फाइन अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लेते जो न्यूज में रहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किसिदा इनका क्या कहना है कि जो नाटो समिट होने वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेन के मैड्रिड में वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अभी एक मैंगो फेस्टिवल बहरीन में रहा है ओके बहरीन में इसको एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया दोस्त सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सप्लायर बन गया ऑयल भारत अब ऑयल इराक से सबसे ज्यादा लेता है उसके बाद यहां पर रशिया है ब्रिटेन की जो क्वीन है इनका नाम है रानी जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है सबसे ज्यादा दिनों तक तो राज किसने किया गद्दी पर किस राजा ने तो वो फ्रांस के लुइस है ठीक है फ्रांस के लुई फोर्टीन इन्होंने बहत्तर साल 110 दिन राज किया था गद्दी पर ओके इनके बाद दूसरे नंबर पर चल रहे थे थाईलैंड के किंग भूमि बोल अब थाईलैंड के किंग भूमि बोल ने 70 साल 126 दिन शासन किया है अब इनको पीछे छोड़ते हुए क्वीन एलिजाबेथ दूसरे नंबर पे आ गई है समझ रहे हो ये दूसरे नंबर पर आ गई तो पहला दूसरा तीसरा तीनों नाम याद रखना अल्बेनिया की बात कर लेते हैं इसके जो प्रेसिडेंट बने इनका नाम है बजराम ओके साउथ कोरिया फर्स्ट एशियन कंट्री है उसका इस्तेमाल करते हुए ठीक okay? है भाई क्लियर है बहरेन आगे बढ़ते हैं अगला विद विच कंट्री इंडिया विल क्रिएट ज्वाइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम टू ट्रेन

और दोस्त दूसरा यहां पर जो हम लोग बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है इसको करेंगे दस बजे से ग्यारह बजे तक ओके ये सुबह का टाइम है दोनों क्लासेस आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पर मिलेंगे इस सेशन के बाद आपको सीधे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन पर जाना है वॉरियर प्रो बैच में एनरोल कराना अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो तैयार हो जाए क्लास के लिए

कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है फाइन आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखते हैं कोलंबिया इसके नए प्रेसिडेंट का नाम है गुस्तावो गुस्तावो पेट्रो पेट्रो ओके चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है फर्स्ट कंप्लीटली डोमेस्टिकली मेड है ओके okay? कंप्लीटली स्वदेशी तौर पर निर्मित है जो पहला इसका नाम है फुजियान ओके okay? सॉरी जो तीसरा है इसका नाम है फुजियान और जो पहला इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बरकरार रखा गया है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हमजा बारे ये पीएम बने हैं सोमालिया के सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर दोस्त वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एक रिपोर्ट है जिसको अंकटाट जारी करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसमें एफ के बारे में बताया जाता है कि इस देश में कितना एफडीआई आ रहा है सबसे ज्यादा जो एफ है वो यूनाइटेड स्टेट में आया बिलियन यूएस डॉलर जो भारत है इस मामले में नंबर पर रहा है मंगोलिया में अभी एक खान क्वेस्ट एक एक्सरसाइज रही थी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी काफी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था खुबसगुल लेक जो है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर रिजर्व में शामिल किया गया है और ये खुफ्सगुल लेक आपके मंगोलिया में है

फ्रेंच ओपन जीतने के लिए नॉर्वे के कैस्पर रोड को भाई ठीक है नॉर्वे के कैस्पर रोड को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला 2022 जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है इट वाज़ हेल्ड इन विच सिटी अंडर थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग बहुत बढ़िया देखिए क्या शानदार न्यूज है ये खुद में न्यूज है मेरे दोस्त कल की न्यूज है ये है ये ये वाली का जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट मीटिंग किस शहर में आयोजित की गई जो इसका थीम रहा था इट वॉज कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग ठीक है डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग आंसर दीजिएगा नैनीताल कह रहे देखो आंसर उत्तराखंड को यूके समझ लिए हैं क्या मैक्सिम आंसर नैनीताल है क्या बात है भाई गजब मतलब तुक्का मारने में भी तुम लोग भाई साहब गदर मचा दिए तुक्का मारने में भी गदर मचा दियो इनमें से एक ऑर्ड जो लग रहा है वो है युगांडा केगाली ओके गया युगांडा की राजधानी है केगाली ओके यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग रही थी और इसका विषय रहा था डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग उसी दौरान मेरे दोस्त इस पर चर्चा की गई थी कि इंडिया ज्वाइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम यूके के साथ मिलकर लॉन्च करेगा ओके अब जरा समझिएगा बाकी के ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे जरा देख लेते हैं इनको गुजरात का अहमदाबाद अभी न्यूज में रहा था क्यूँ न्यूज में रहा था जो इन, है, इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर है उसने अपना गुजरात के अहमदाबाद में भोपाल में सेट किया है 44th जो चेस ओलंपियाड है ओके ये आपका तमिलनाडु तमिलनाडु में 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 रहेगा चेन्नई चेन्नई के पास में और इसका मैस्कॉट थाम्बी है क्या है थाम्बी है मारुति सुजुकी इंडिया ने अभी बीस मेगावाट का सोलर कारपोर्ट सेटअप किया है हरियाणा के मानेश्वर में नई दिल्ली में एक बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट की गई थी इसका विषय था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टू तो आत्मनिर्भर भारत ये इसका विषय रहा था जो अपने गृह मंत्री अमित शाह साहब इन्होंने एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नई दिल्ली में ओपन किया था बिहार के रक्सौल में मनसुख मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को ओपन किया था उत्तराखंड के नैनीताल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है मेरे दोस्त देश का पहला लार्जेस्ट है एशिया का ओके तो देश का पहला एशिया का लार्जेस्ट जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, है? नैनीताल में अड़तीसो लाइव तो चल रहे अड़तीसो लाइक तो कर दो लाइक मात्र तेरह सो चल रहे कहा जाते हो है क्या भाई कहा चले जाते हो आ जाओ वहां से वापस ठीक है चले बार बार चले जाते हो वहीं पर ही अरे सुबह से शाम तक वहीं रहना अभी आ जाओ भाई के पास ठीक है फटाफट लाइक ठोक दो अब जरा ये देखो क्या शानदार क्वेश्चन है अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना अब जो कुछ बच्चे मेरे को अभी मैसेज करेंगे जब सेशन करो सर वन लाइनर कराइए ना इतना हैवी हैवी क्वेश्चन क्यों कराते हो एग्जामिनर से भी बोला करो अरे वन लाइनर पूछना इतना हैवी हैवी क्यों पूछता है जब वो पूछ लेता तब कहते हो अरे सर आपने पढ़ाया नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे दोस्त आप अगर पढ़ना नहीं चाहेंगे तो अब जरा देखना ये जो नार्कोटिक्स ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन साइको, साइको एक तो दो दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है दो एक्ट हो गए एक दोस्त ये एक्ट हो गया 1988 एट वाला दूसरा हो गया यहां पर 1985 वाला इन दोनों के एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को वित्त मंत्रालय से ट्रांसफर करके किसी दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया है ओके वित्त मंत्रालय से ट्रांसफर करके दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया आंसर करिएगा किस मंत्रालय से किस मंत्रालय में भेजा गया है वित्त मंत्रालय से किस मंत्रालय में बहुत बढ़िया होम अफेयर मिनिस्ट्री ओके होम अफेयर मिनिस्ट्री वेल डन मेरे दोस्त राइट आंसर बनेगा यहां पर होम अफेयर मिनिस्ट्री ठीक है होम अफेयर मिनिस्ट्री

ऐसे ऐसे अगर सवाल आ जाए तो फिर क्या करोगे अरे सर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो सर बहुत बढ़िया काम करेंगे मैंने कहा कर, क्या करोगे सर स्किप करके आएंगे ठीक है समझ रहे हो बट ऐसा मत करना सर केगाली रवांडा की कैपिटल है कंपाला युगांडा की कैपिटल है तो मैंने क्या गलत बोला भाई रवांडा के गाली फ्रैंक की तो लिखा है युगांडा के तो ये रवांडा होगा भाई के हटा दो वा दो ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है केगाली याद रखो ठीक है टाइपिंग में लग गया केगाली है है ठीक केगाली यहां पर दोस्त एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री ये ये जो ट्राइब है वो है संथाली संथाली ठीक है संथाली ये याद रखना नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कमीशन का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कमीशन कर दिया क्या बात है भैया बीओसी कब किस वर्ष में सेटअप किया गया था सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आउटरीच और संचार ब्यूरो का नाम बदलकर केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया है बीओसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था दो इसे 2017 में स्थापित किया गया था ठीक है ब्यूरो ऑफ आउटरीच कमीशन जिसका अब नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कमीशन है अगला सवाल वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फ्रिशेस का नाम है स्टिंगरे ओके इंस्टिंगरे इंस्टिंगरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली नदी में किस देश में पाई गई है यह चार मीटर और तीन सौ किलोग्राम की है फोर मीटर तीन सौ किलोग्राम की मैकोंग रिवर में पाई गई वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर शिप रे है किस देश में तो दोस्त यहां नाम है कंबोडिया ओके राइट आंसर बनेगा यहां पर कंबोडिया ओके अब जरा कुछ देश इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसको आप पढ़ लेना इस पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा यहां आ जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने

जो इन दोनों की आई टी रिसोर्स है उनको डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अब ये बैंक कौन सा है चलो एनपीसीआई तो क्लियर है बैंक कौन सा है दोस्त यहां पर आईसीआईसीआई बैंक और एच डी एफ सी बैंक दोनों है तो आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक और एनपीसीआई की जो आई टी रिसोर्सिस है उनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डिक्लेयर किया गया नेक्स्ट इंडिया और किस देश इंडिया और जो एस मेंबर कंट्रीज है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ओके तो एस मेंबर कंट्रीज और जो इंडिया है इन सभी ने अभी हाल फिलहाल एक इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट किया है

ठीक है कल मैंने कमिटमेंट किया था ना कि कल मैंने मात्र आठ न्यूज पढ़ाई तो रेस्ट जितनी भी बचेंगी वो आपको मैं एमसीक्यू में कराऊंगा तो दस न्यूज एमसीक्यू फॉर्म में आज की बारह न्यूज और पढ़ेंगे अभी विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल पेमेंट विजन 2025? किस संस्था ने पेमेंट विजन 2025 नामक एक रिपोर्ट जारी की है ओके पेमेंट विजन 2025 हजार एक

देखो तो जो एग्जाम और उस पर चर्चा करेंगे अब क्लैपिंग या तालियां नहीं बजवानी है कि भाई हाँ चलो ठीक है हल्का हल्का पढ़ाओ बच्चा बिल्कुल मस्त चल रहा है हाँ ठीक है हमें भैया पंद्रह न्यूज मिल गई नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं बनेगा मेरे दोस्त अपने को यहाँ पर हर एक चीज को कवर करके चलना पड़ेगा लाइक किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं खासकर इस तरीके के ये जितने भी है ना ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते फाउंडेशन ईयर भी स्किप नहीं करेंगे पूछे जा रहे हैं डिस्काउंट मिलेगा तो दोस्त वाई वन सिक्स एट इस पर आपको सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इसके लिए जिस जगह आपको जाना है वो जगह का नाम है मेरे भाई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप्लीकेशन ठीक है तो मोहल्ले वालों सुन लीजिए मेरे भाई एक जुलाई दो हजार बाईस से जो बैंक वहां पैक है मेरे दोस्त असल में हुआ क्या है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है ऐसे में इन्फ्लेशन तो आपको पता है चरम स्तर पे चल रहा है देखिए भाई पाकिस्तान में पेट्रोल दो सौ रुपए से ज्यादा है श्रीलंका में तो हालात मेरे भाई त्राहीमाम, त्राहीमाम मचा हुआ है अब भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा ट्वेंटी फोर अपने जितने भी महापैक है उनके प्राइस एक जुलाई से बढ़ाने जा रहा है भाई इसका सीधे ये रसिया और यूक्रेन युद्ध ही है उसे रुकवाई कम ही हो जाएगा ये तो एक जुलाई दो हजार बाईस से इसके प्राइस बढ़ने वाले जितने भी महापेक है तो कोशिश करेगा आज जाके एनरोल करा लीजिए आज इसके साथ साथ आपको डबल वैलिडी भी मिल रही है ओके डबल वैलिडी मतलब छह महीने का बैंक महापेक आपको बारह महीने के साथ मिल रहा है बारह महीने का बैंक महापैक आपको चौबीस महीने के साथ मिल रहा है सिक्स मंथ के लिए आपको पे करना है थ्री वन नाइन जीरो ट्वेल्व मंथ के साथ मिलेगा ट्वेल्व मंथ के लिए आपको पे करना थ्री नाइन सिक्स जीरो चौबीस महीने के साथ मिलेगा ओके अब बढ़ते मेरे भाई आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज ये कल के द हिंदू की न्यूज है ठीक है आज के द हिंदू में तो कुछ नहीं था बातें लिखी हुई थी कुछ नहीं था कल के द हिंदू में ये न्यूज थी इसने कहा था कि वर्ल्ड बैंक ने ए भाई सुनो हम ना तुमको दो मिलियन यूएस डॉलर देंगे क्यों देंगे तुम्हारे यहाँ पर रोड है ना मेरे दोस्त बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं और इन्हें सुंदर बनाना है तो वर्ल्ड बैंक ने कुल मिलाकर 250 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है टू सपोर्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर सेवन स्टेट इसको जरा ध्यान से समझो <coughs> फ्री कर दो बेटा फ्री में चल तो रहा है ठीक है गवर्नमेंट है वर्ल्ड बैंक दो अप्रूव्ड 250 मिलियन आजकल मंदिर में समझना पड़ेगा ठीक है नॉमिनल प्राइज है यार कोई ज्यादा प्राइस नहीं है थ्री और नाइन ये दो थ्री है हम लोगों के सिक्स वाला बैंक महापैक और ट्वेल्व प्लस वाला बैंक महापैक आई थिंक इससे ज्यादा सस्ता और क्या चाहिए पचास रुपए में चाहिए क्या हाशीस गोदम पर अगले दिन से कहा देखे कंपनी भी गई टाटा वाइब है हम ऐसे ही चला लेंगे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो <laughs> वर्ल्ड बैंक की बात करते दो सौ पचास मिलियन का लोन दे दिया किस चीज के लिए इंडिया के 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 रोड सेफ्टी प्रोग्राम लिए लिए सात राज्यों अब जरा समझो जो इंडिया स्टेट जो सपोर्ट प्रोग्राम है इंडिया स्टेट जो सपोर्ट प्रोग्राम है रोड सेफ्टी के लिए इसको विश्व बैंक फाइनेंस कर रहा है कुल मिलाकर कौन कौन से स्टेट है एग्जामिनर यहां से खेलेगा वो आपको पूछ लेगा इनमें से सात स्टेट में से कौन से नहीं है तो आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल समझे नो मेरे भाई आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल ये सात स्टेट है इसमें रोड सेफ्टी के लिए काम करा जाएगा और विश्व बैंक इसके लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रहा है ओके विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है वन एटी कंट्रीज की मेंबर है वन कंट्री जो है वो नॉरू है ओके डेविड मलपास इसके प्रेसिडेंट तेरहवे नंबर के प्रेसिडेंट है ये ये अमेरिका से आते हैं नंबर के प्रेसिडेंट हैं। विश्व बैंक की स्थापना भाई 1944 में हुई थी। 1944 में. 1945 से उसने काम करना स्टार्ट किया जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है ये कहते बहुत खेल लिया क्रिकेट चलो रिटायरमेंट ले, ले लेते हैं ठीक है तो इसको जरूर ध्यान से सुन लीजिए अब ये मॉर्गन बस इतना याद रखो एन मॉर्गन इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट है वो पूछ लेगा एन मॉर्गन की बात करते हैं इन्होंने रिटायरमेंट लिया है कप्तान रहे हैं और इनकी कप्तानी में किस वर्ष में वर्ल्ड कप जीता गया था ये आपको बताना ढूंढ के ध्यान से सुनिएगा इंग्लैंड के इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनिंग इसके पर मॉर्गन Will from के लिए वर्ल्ड जिताया था? इसको के मुझे आंसर करना नेक्स्ट एक मुकेश अंबानी साहब है पैंसठ साल के हो गए कब तक काम करेंगे तो इनकी एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ठीक है इट इज अ पेरेंट कंपनी इसी के अंडर में एक सब्सिडरी कंपनी इसकी रिलायंस जियो अब रिलायंस जियो के चेयरमैन पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब इनकी जो इनके जगह पे आकाश अंबानी अम्बा, मोहम्मद तो जलूद इनको ना बेटा इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो मोहम्मद जलूद को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया अपॉइंटमेंट एक लाइन में याद रख लीजिए ये पूछ सकता है आईडब्लू कब बना है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन नाइनटीन था स्विट्जरलैंड के लॉज में इसका मुख्यालय इसका मुख्यालय आ गया बेटा तो बेटा बेटा ही आएगा और कौन आएगा है? मतलब के पड़ोसी को चेयरमैन बना दे क्या बात है हा वा, वही आ गया बेटा और कौन आएगा यार <laughs> बाप की गद्दी <laughs> तो बेटा ही तो संभालेगा तो क्या पड़ोसी का बेटा संभालेगा मेरे भाई त्राही माम त्राही माम हो जाएगी ग्रह कलेस हो जाएगी समझ रहे हो नहीं समझ रहे मेरे दोस्त भाला <laughs> कुछ भी कमेंट में लिखते हो आ गया बेटा तो और कौन आएगा भाई <laughs> अब जरा देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इन भाई साहब को तो सभी लोग बाई फेस जानते होंगे टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था भारत के लिए इनका नाम है दीपक पूनिया असल में एक अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है ओके okay? अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहां पर हुई किर्गिस्तान के बिस्केक में ठीक है इसको जरा समझना मेरे दोस्त अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये किर्गिस्तान के बिस्केक में हुई और यहां पर 86 केजी कैटेगरी में ओके okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है 86 एक कैटेगरी पूछता है इसलिए ध्यान रखना 86 केजी कैटेगरी में दीपक पूनिया ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है ठीक है अब जरा समझते हैं फिर दोबारा से अंडर 23 जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है कहां पर किर्गिस्तान के बिस्केक में और किर्गिस्तान के बिस्केक में दीपक पूनिया ने 86 सिक्स के जी कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने हराया कि इनको था मकसत थोड़ा नाम अजीब सा है मेरे दोस्त इनका ठीक है मक मकसत सत्य बाली ओके okay? मकसत सत्य बाली इनको हराकर तो दीपक पुनिया ने मकसद सत्यवाली को हराकर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता अंडर ट्वेंटी थ्री एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो कि आपकी किर्गिस्तान के बिस्केक में रही थी फाइन कहां पर मेरे भाई किर्गिस्तान के बिस्केक में क्लियर है डन समझ में आ गया ऑल ओके okay? फर्स्ट क्लास इसको भी रिक्रूटमेंट निकालते चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हैज़ नाउ 56 मेंबर ओके okay, देखो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन अब कुल मिलाकर कॉमनवेल्थ भी इसको आप बोलते हैं इसमें कुल मिलाकर वो चौवन मेंबर हुआ करते थे फिफ्टी फोर्थ जो मेंबर था वो मालदीव हुआ करता था ठीक है अब इसमें दो और नए मेंबर बन गए हैं एक का नाम है दोस्तों टोगो दूसरे का नाम है ओके टोगो नेशन ऐसे देश जिनके ऊपर ब्रिटेन का राज रहा है ओके समझ रहे उन देशों का ये संगठन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है समझते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसको आप सिंपल शब्दों में कॉमनवेल्थ बोलते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशन है, सिक्स मेंबर स्टेट की जिनमें कि जो कि फॉर्मर टेरिटरीज रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसे कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है छप्पन सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र है ओके उंडेड इन नाइनटीन थर्टी वन उन्नीस सौ इकतीस में इसको फाउंड किया गया था ऑफ दिसंबर को यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है अब कुल इसके छप्पन हो चुके हैं टोगो और गैवॉन ये दो नए मेंबर है चुने गए टोगो और गैवन ठीक है भाई डन ऑल ओके चलिए समझ में आ रहा है आगे बढ़ते अगला नेक्स्ट सीखेगा विमलंडन चैंपियनशिप किक ऑफ एट ऑल इंग्लैंड लोन टेनिस क्लब इन लंदन अब जरा समझते हैं चलो ये तो समझ में आ गया विमलंडन चैंपियनशिप लंदन में शुरू हुई है अब जरा समझिए एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं भाई कितने होते होते हैं हैं चार चार ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विमलंडन और यूएस ओके ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विमलंडन एंड यूएस इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है क्या हो गया ए एफ डब्ल्यू यू ओके इसमें से जो ये ऑस्ट्रेलियन है ओके okay, ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और ये यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे लाल मिट्टी पे विम्लन ओपन ग्रास कोर्ट पे घास के मैदान पे खेला जाता है इसमें से दोस्त ये आपका ये डन हो चुका है ये डन हो चुका है तीसरा यार भाई ये शुरू हुआ है आपका अब ये रनिंग में चल रहा है जब ये कंप्लीट होगा कंक्लूड होगा तो हम इसके पॉइंट रहे होंगे किसी नंबर पर इतने नंबर में जीता है ये रिकॉर्ड बना तो वो भी पढ़ेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं चारों ग्रैंड स्लैम चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए मेन सिंगल को और वीमेन सिंगल को क्या रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब इंपॉर्टेंट ए टू जेड है कुछ भी नहीं करना बट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा हमें देनी है, है है, जो पूछता पूछता वो और पूछ आपको बताता फ्रेंच आपके लिए रहेगा। कल हम लोग फ्रेंच कवर कर लेंगे, आज कवर कर लेते हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है इसका मैन सिंगल का जो टाइटल रहा था मैन सिंगल का टाइटल ये राफेल नडाल ने जीता था भाई अपना स्पेन का है इन्होंने हराया था रशिया के डेनल मैद्वेदेव को रशिया के डेनल मैद्वेदेव को वुमेन सिंगल का टाइटल एसले बाटी ने जीता था ये ऑस्ट्रेलिया की है रिटायरमेंट ले चुकी हैं अभी डेनियल कॉलिंस को हराया था उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के तो यूनाइटेड स्टेट की डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलिया एस, की एसले बाटी ने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता और रशिया के डेनियल मैदेवेदेव को हराकर स्पेन के राफेल नडाल ने मैन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था ओके क्लियर है भाई स्टेट वाइज स्कीम कैसे करें बेटा मैं करा दूंगा तुम टेंशन मत लो ठीक है तुम सिर्फ करंट अफेयर फॉलो करते रहो सब मैं करा दूंगा चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला ब्रिक्स ब्रिक्स बैंक की बात नहीं कर रहा मैं ब्रिक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका जिसका 14th समिट जो होने वाला है हुआ है सॉरी चाइना में हुआ है चाइना ने इसे होस्ट किया ओके okay? अभी जो ब्रिक्स इस में कुल मिलाकर कितने देश है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ईरान ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स ओके ब्रिक्स बैंक ने ब्रिक्स समझ रहे हो ना तो ब्रिक्स का पार्ट बनने के लिए जिसमें पांच देश इसके सदस्य हैं उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी ईरान ने इवन अर्जेंटीना भी चाहती है इसमें अर्जेंटीना भी चाहता है इसमें पार्ट बनना एक एक करके पढ़ लेते हैं असल में ट्रम्प जो ब्रिक है ये जो, जो ब्रिक शब्द की जो चर्चा की गई थी ये 2001 में जो गोल्डमैन सैच के इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील उन उनके द्वारा की गई थी ठीक है जिम ओ नील इन्होंने पहले ब्रिक की चर्चा की थी ब्रिक मतलब था ब्राजील रशिया इंडिया और चाइना चार के बारे में बात की थी ये जो टर्म दिया था ब्रिक टर्म ये गोल्डमैन यह गोल्डमेन से द्वारा के, के द्वारा 2001 में दिया गया था ब्रिक का जो पहला समिट रहा था वो 2009 में रहा था 2009 में रशिया में ये दो हिडन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो साउथ अफ्रीका ने टू में ज्वाइन किया देन इट बिकम ब्रिक्स ओके क्या बन गया ये ब्रिक्स बन गया है। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है एल्बर्टो ओके ये यूरोप में अभी वर्तमान में और इन्होंने इन्होंने कहा है कि हम भी ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते चाहते हैं हैं बट ये चाहते हैं और एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है फाइन नेक्स्ट यार खुशी पटेल फ्रॉम यूके इज क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड दो यूके की जो खुशी पटेल है उनकी खुशी मेरे दोस्त बहुत खुशी में तब्दील हो गई है क्योंकि मोहतरबा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बन गई okay? वर्ल्ड वाइड दो हजार बाईस ये खुशी पटेल फ्रॉम यू के अब देखो आगे समझो एग्जामिनार्ट है वो कहता है जो जीता है उसको तो सब जानते हैं हम पहले रनरअप और दूसरे रनरअप को लोगों को बताते हैं तो जरा ये देखिए श्रुतिका माने ये सेकेंड रनरअप रही थी श्रुतिका माने ये सेकेंड रनर अपी थी और दूसरे मतलब जो फर्स्ट रनरअप रही थी वो रही थी वैदही डोंगरे ओके तो वैदा ही डोंगरे ये फर्स्ट रनरअप रही सेकंड सेकेंड श्रुति का माने रही और जो जीती है वो खुशी पटेल है जिनको ताज पहनाएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का okay? <coughs> शानदार हेलीकॉप्टर लग रहा भाई ठीक है इसका नजारा चर्चा कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल इन्होंने क्या किया है देखो स्क्वाड्रन मतलब क्या होता है जहाजों का बेड़ा होता है उसे तो स्क्वाड्रन बोलते हैं ओके okay? हर किसी के बेड़े को भैया स्क्वाड्रन बोलते हैं अब यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर इस हेलीकॉप्टर के भाई एक बेड़ा इसमें कुछ जहाज होंगे उनके ग्रुप को बोल दिया इन्होंने स्क्वाड्रन तो कोस्ट गार्ड ने अभी फिलहाल एक स्क्वाड्रन जिसका नाम है 835 ओके okay? जो ये एडवांस लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है एम थ्री एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एम थ्री इसका इस, स्क्वाड्रन जिसका नाम है एट स्क्वाड्रन इसको अभी कमीशन किया गया है पोरबंदर में तटरक्षक तो बल ने पोरबंदर में एयर एनक्लेव में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एम के थ्री के एट स्क्वाड्रन को कमीशन किया है असल में कुल मिलाकर थर्टीन ए जो एम हेलीकॉप्टर इनको इंडक्ट किया जा चुका है फेज मैनर में अलग 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 फेजेज में

इनके ऊपर पानी क्यों डाले बट इनको गर्मी लग रही थी ना मौसम आप जानते हो कितना ज्यादा है इसलिए इसलिए इनको 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 गर्मी लग रही थी ठंडे पानी से रहा है ठीक नेक्स्ट आगे ये दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बता नीचे तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनका नाम है उज्जवल भूयन ओके ये नाम याद रखना उज्जवल भूयन 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 और दूसरा नाम सतीश चंद्र शर्मा इन्होंने ओत ले लिया है हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ा पहले चुका हूं मैं ठीक है ये रहा ओवरऑल सेशन आई होप यार क्लियर रहा होगा सभी के हम लोगों ने लमसम आज दस नई न्यूज पढ़ी है के में, और न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर, तो हमारी हम तुरंत बाद मेरा एक सेशन शुरू होने वाला जो कि करंट अफेयर्स का रहेगा वो एट थर्टी शुरू होगा साढ़े आठ बजे शुरू होगा जिसमें मई महीने के करंट अफेयर की पहली क्लास कराने जा रहा हूँ ये सारी क्लासेस जो आपको मिलती हैं ये वॉरियर प्रो बैच में मिलती हैं वॉरियर प्रो बैच में जो पहली क्लास होगी मंथली करंट अफेयर्स की होगी सुबह साढ़े आठ बजे टू फ्राइडे हमारी रन होगी वॉरियर फ्राइडेट की क्लास है मेरे भाई आज मैं बैंकिंग एंड टर्मिनोलॉजी इसमें कराऊंगा नेक्स्ट क्लास ये दो से दस बजे से चलेगी सुबह दस बजे से एक घंटे इन ये चार बेसिकली बैचेस का कॉम्बो है इसमें तीन बैचेस तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर थ्री पॉइंट जीरो करंट अफेयर्स एमसीक्यू बैच भी है और मंथली करंट अफेयर्स लाइव बैच मिल रहा है जिसमें मे मंथ शुरू होने वाला है इट इज अ कंप्लीट वॉरियर प्रो बैच ये बैच आपको बारह महीने वैलिडिटी के साथ मिलता है 1496 का ओके महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है 1496 का ये प्राइस अड्डा एप्लीकेशन पे है ओके आप लोग एप्लीकेशन से ही खरीदिएगा जाकर आप जब कोड लगाएंगे वाई वन सिक्स सेवेंटी सेवन परसेंट तो, तो डिस्काउंट मिल जाएगा सीधे भाई व्यू ऑफर में जाके सी ऑफर में जाके ये भाई इस कोड को लगा देना फॉर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मिलेंगी जो होने वाली वो सारी लाइव रहने वाली है ये आपका दोस्त बैंक महापैक का भी पार्ट है और बैंक महापैक प्लस का और अड्डा के महापैक का भी बैच आपका पार्ट रहेगा इसके अलावा आज डबल वैलिडिटी शुरू हो चुका है

हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी बात समझ में आ रही है क्लियर हो रही है ओके okay? बाकी जिनको भी प्रिंटेड बुक्स चाहिए दे विल यूज कोड वाई वन सिक्स एट एस कोड ओके ये आप लोग एस कोड यूज करेंगे बाकी दोस्त बैंक महापैक प्लस क्या है ये महापेक प्लस भी छह प्लस छह महीने वाला आज बारह महीने के साथ आपको फाइव टू फाइव एट का पड़ेगा एप्लीकेशन से